हेलो एवरीवन, आप में से कई सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में वो हज़ार रुपये को हज़ारों लोगों तक कैसे पहुंचा देते हैं, कैसे उनको ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दे जाते हैं, कैसे उनको ऊपर लाखों रुपये इनकम होती रहती है। इस वीडियो में यही आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर हज़ार नहीं, मैं आपको केवल 100 रुपये मात्र लूँगा, 100 रुपये को बांटकर दिखाऊंगा कि कैसे ऊपर तक हज़ारों लोगों तक पहुँच जाता है आपका ये प्रॉफिट का पैसा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे आपको ये भी जानना आसान होगा कि आखिर इनकम कैसे हो पाती है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में, कैसे इनकम होती है। चलिए बिल्कुल हम वीडियो को आसानी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 100 रुपये। जी हाँ, यहाँ पर हमने 100 रुपये लिए जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम हज़ार नहीं ले रहे, यहाँ पर 100 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये आप आए थे यहाँ से, इस तरह से आप थे, इसके बाद में आपकी जो आप इस तरह से टीम बना रहे थे, ये आप टीम बिल्डअप कर रहे थे इस तरह से, ये देखिए ये आप इस तरह से टीम बिल्डअप कर रहे थे। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये कंपनी के पास, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कंपनी के पास प्रॉफिट का बांटने के लिए 100 रुपये बचता है। जी हाँ, मतलब 100 रुपये भी बचता है। तो यहाँ से आप ये अंदाज़ा देख लीजिए, मैं आपको पूरा बताऊँगा कैलकुलेशन करके, कोई भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल आसानी से पूरी कैलकुलेशन करके दिखाऊँगा कि आखिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती जाती है, हज़ारों लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर सभी से 100 रुपये बच रहा है, इस तरह से हम ये मान के चलते हैं। अब हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि देखिए, जैसे मान के चलते हैं कंपनी है तो ये 100 रुपये प्रॉफिट का ये बांटना है, तो अगर सबको 10% के हिसाब से पैसा बांटती है, सबको, मैं आपको अकेला नहीं कह रहा हूँ बात, सबको 10% के हिसाब से बांटती है, तो उस हिसाब से आपको बताते हैं कि 10% के हिसाब से बांट पाते हैं। दूसरी बात, आपको ये भी पता होगा कई सारी कंपनी क्या करते हैं कि जैसे मान चलते आप यहाँ पर हैं, आप जो पहले आप 2 लेकर आए थे, इनका आपको मान चलते हैं वो 10% देते हैं, फिर जो ये लेकर आएंगे इस तरह से, इनके बाद में ये टीम बनेगी, उनका आपको 5% देंगे, फिर जो ये और लेकर आएंगे, मतलब और नीचे डाउन में जाएंगे, तो फिर हो सकता है आपको 2.5% देंगे। तो हम कहने का मतलब ये है कि कई कंपनी इस तरह का भी प्लान बनाती हैं। तो हम ये मान के चलें कि जो एवरेज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम ये मान के चलते हैं कि 5% तो होता ही है आप तक, ये आप है पहले नंबर पे आप हैं, तो आपको हज़ारों के नीचे से आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएंगे आप तक, ऐसे आ जाता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए बिल्कुल शुरुआत करते हैं इस चीज़ के लिए। अब हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 100 रुपये को, तो हमने ये लिख लिया 100 रुपये, इस तरह से 100 रुपये लिख लिया, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं टीम, जी हाँ यहाँ पर लिख लेते हैं हम टीम, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम मान कहते हैं लेवल, कि ये कोई लेवल हो रहा है, और यहाँ पर जो हम लिखेंगे डिपॉजिट अमाउंट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि डिपॉजिट कितना डिपॉजिट होगा, और यहाँ पर लिख लेते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट कितना होता है वो लिख लेते हैं, और यहाँ पर लिख लेते हैं रिमेनिंग कि बचा कितना, ये सभी चीज़ हमने यहाँ पर काउंट कर ली। अब हम क्लियर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 100 रुपये को ऊपर तक। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि पहले आप आए थे, केवल आप आए थे, तो लेवल वन मान के चलते हैं कि लेवल वन पे भी आप हैं, तो यहाँ पर जो डिपॉजिट होगा वो आपकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट हुआ था डिपॉजिट का 100 रुपये, तो डिस्ट्रीब्यूट तो अभी 0 होगा, तो यहाँ पर बचा कितना 100 रुपये अभी कंपनी के पास बचा है। देखिए किस तरह से कुछ इस प्रकार से कि आप आए थे यहाँ पर तो 100 रुपये बचा था आपका वो है, फिर जब आप 2 लोगों को लेकर आए यहाँ पर और यहाँ पर, तो 100 रुपये यहाँ से भी बचेगा, 100 रुपये यहाँ पर से भी बचेगा, और फिर जाके आपको यहाँ पर इन दोनों का 10% मिलेगा, या फिर अगर आप इस तरफ से भी देख लें, इस तरफ चलिए इन दोनों से मिला लीजिए, इन दोनों का आपको कितना मिला 10% मिल गया यहाँ पर, तो या फिर ये मान के लिए 10% आपको यहाँ से मिला, 10% यहाँ से मिला दोनों तरफ से, तो 10 रुपये हुआ यहाँ से और 10 रुपये हुआ यहाँ से, तो आपको यहाँ पर मिलना था कुल कितना 20 रुपये यहाँ पर आपको मिल गया। तो यहाँ पर लेवल 2 की बात हो रही है, जब आप 2 और नए मेंबर लेकर आए, तो आपका मान कहते हैं लेवल 2 होगा, यहाँ पर 2 और नए मेंबर लेकर आए, यहाँ पर इनका 200 रुपये डिपॉजिट होगा, और अब आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा दोनों को 10% करके 20 रुपये, बचा कितना इनके पास अभी भी 280 रुपये, इस तरह से अभी कंपनी के पास बचा। फिर ये 2 से 4 होंगे, 4 होंगे, तो हम 10% यहाँ पर बांट के बता रहे हैं, 5% नहीं, हम 10% आपको यहाँ पर बांट के दिखा रहे हैं। यहाँ पर 4 होंगे, 2 से 4 होंगे, तो यहाँ पर जो आपका लेवल मान के चलते हम 3 लेवल आ गया, और जब लेवल 3 आता है तो लेवल 3 में यहाँ पर 4 लोग आ, तो यहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा कितना 400 रुपये, और बटेगा कितना, देखिए बटेगा कितना, आप ध्यान से देखिए,
जब ये लेकर आए थे तो आपको 10 मतलब टोटल मार्क के 20% मिला था, तो आपको ये हो गया 20 रुपये। फिर जब ये लेकर आए तो यहाँ पर भी मिलेगा इनको, मतलब 10 यहाँ से 10 यहाँ से, इनको 20 मिलेगा और इनको 20 मिलेगा, क्योंकि 4 लोग आ गए यहाँ पर, 1 2 3 4, और यहाँ पर आपको टोटल 40 मिलेगा। मतलब कितना बटा टोटल, 80 बटा टोटल कर दी। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा 80, और तो यहाँ पर बचा कितना, ये 80 बटा, और इसी 80 में से ये कट गया, तो 200 ये और 400 ये, 600 रुपये अब भी कंपनी के पास आपका डिपॉजिट बचता है। तो इस हिसाब से अगर हम आगे बढ़े टोटल करके आगे चलते जाएं, तो हमने जो कैलकुलेशन कर लिया है, टोटल कैलकुलेशन किया है हमने, तो अगर आप लेवल 11 पर आ जाएंगे, जब लेवल 11 पर आ जाएंगे और यहाँ पर जो आपकी टीम होगी 1024, यहाँ पर 1024 आपका टीम होगा और जो लेवल होगा वो आपका 11 लेवल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो अमाउंट होगा वो डिपॉजिट अमाउंट होगा 1,02,400 रुपये, और यहाँ जो उनको डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट होगा वो भी होगा 1,02,400 रुपये। यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट भी उतना होगा और डिपॉजिट भी इतना ही होगा, लेकिन जब यहाँ जो बच रहा था ये तो मान चलते हैं ये पूरा का पूरा बट गया, जितना आया वैसा चला गया, लेकिन इसके पहले जो यहाँ तक ऊपर से कहानी चली आ रही थी, जो यहाँ पर बच के आ रहा था, तो यहाँ तक जो बचा था हमने देखा था कि 60,000, मतलब यहाँ बचा था 60,360 रुपये, और अभी कंपनी के पास डिपॉजिट है इतना बांटने के बाद में भी। अब कहानी यहाँ से ख़त्म नहीं होती, हमने कहा था एवरेज कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, 5%, हमने बांट दिया कितना टोटल आपको 10% बांट के दिखाया। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी के पास इतना प्रॉफिट भी बचा और 10 लेवल पे, सॉरी 11 लेवल तक उन्होंने 11 लेवल तक पूरा अमाउंट यहाँ पर जितना डिपॉजिट होगा उतना उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बावजूद भी आप कंपनी के पास ये बचा। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, ट्विस्ट तो यहीं से है। जब 10% उन्होंने दिया, 10% एक तरफ से, 10% एक तरफ से, टोटल 20% दिया यहाँ पर, और अगर 5% एक तरफ से, 5% दो तरफ से देते तो यहाँ पर जो अमाउंट होता वो डबल हो जाता, मतलब यहाँ पर जो लेवल हो जाता फिर वो हो जाता आपका 22 लेवल। ध्यान दीजिए, अभी जो टोटल दिया है 20% दिया है, अगर 10% देते तो हो जाते 22 लेवल, और अगर 5% देते टोटल तो होता वो लेवल 40%। अब आप कैलकुलेटर से ध्यान देख लीजिए, मैं आपको कैलकुलेटर से बता रहा हूँ कि क्या होता है। देखिए यहाँ पर 11 लेवल पे, जो लेवल 11 था यहाँ पर टोटल टीम हो रही थी 1024, जी हाँ, जबकि ये हमने 20% डिस्ट्रीब्यूट किया था, आपने खुद देखा 20% डिस्ट्रीब्यूट किया था। अगर इसी को अगर 10% डिस्ट्रीब्यूट करें टोटल, तो ये जो लगभग 11 लेवल है ये लगभग पहुंच जाएगा 22 लेवल पे। अब जब 22 लेवल पे पहुंचेगा तो देखना यहाँ पर जो टीम थी यहाँ पर 1024, ये कितनी होगी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा मुझे काउंट कर लेने दीजिए कैलकुलेटर के माध्यम से। देखिए जो आपकी 12 लेवल पे होगी वो होगी 2048, 13 लेवल पे 4096, 14 लेवल पे 8192, 15 लेवल पे 16000 कुछ, फिर 7वें लेवल पे 32000 कुछ, फिर 65000, 18वें पे, 19वें पे 1,31,000, 20वें पे 2,62, 21वें पे 5,24, और 22वें लेवल पे आएगी 10,50,000 के लगभग। अब सोच के देखिए यहाँ पर 22 लेवल पर यहाँ पर कितना आया, 10,50,000। अब सोच के देखिए जिसको इतने गहराई के नेटवर्क से पैसा आएगा इतने 10% में, तो कितने गहराई से तक पैसा आ सकता है, यही तो क्वेश्चन था आप लोगों का कि आखिर 1,000 रुपये को कितने लोगों तक बांट सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो हमने यहाँ पर आपको 100 रुपये बांट कर 10% देकर सभी को 10% दिया, और यहाँ पर कितने लोगों से आपको पैसा आया, कितने गहराई से, 10,50,000 से भी आपको पैसा मिला। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत तो समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे वीडियो आपके लिए मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय।